पूछो, उसने मेरे से वादा किया, मैंने उससे वादा किया। इसके लिए कोई रैप करे, उसके लिए तो तू तो मैनू छड़ गई है, दिलो कट गई है। अली पार्क च तू तो मिली सी, मेरा इंटरव्यू लेके उन्हें फट गई है। किता सी नहीं वादा तूने नशानी चढ़ाण दा, मुंडे नू नहीं उन्हें तू इंसान बनाण दा। इंसान तां तू सानू नहीं ही बनाया, अवान बना के उन्हें कट गई है। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या कर रहे हैं सर आप यहाँ पे? मैं लोगों को देख रहा हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, इनको ये क्या कर रहे हैं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ये लोग वो हैं जिन लोगों को घरों में जगह नहीं मिलती है, जो घर से तंग हैं, वो इस जगह पे आके अपना बसेरा डाला हुआ है लोगों ने। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं बस इन्हें देख रहा हूँ, मैं ऑन द वे था, मैंने कहा देखूँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। वालेदा, आप लंगर बांटने के लिए आया हूँ, मैंने कहा देखूँ लंगर कहाँ पे बांटा जा सकता है। जो तो इनको लंगर बांटने के लिए जो मुस्तहिक है, मैंने कहा उनको लंगर बांट दो। लंगर लेके आए आप? किधर लंगर लेके? किधर है? बांट भी दिया है, दोबारा फिर बांट रहा हूं। बांट भी दिया है? आप क्या बांट रहे हैं? किधर आपके पास लंगर है? किधर लंगर और मंगवा लेते हैं? अच्छा, और मंगवा लेते हैं। मंगवा लिया? किधर है आपके पास? नजर नहीं आ रहा। आ जाता है, अभी अभी आ जाता है। आपने लंगर करना है तो बिस्मिल्लाह, मोस्ट वेलकम। लंगर आप करवा रहे हैं, ये देख रहे हैं नाजरीन। हीरो तेरा तो इंटरव्यू देखे असी, तू तो बड़ा फेमस, तू तो नशा छड़ना सी यार, और तू नशा छड़िया नहीं। नाजरीन, ये वही बंदा है जिसका इंटरव्यू काफ़ी वायरल हुआ था, और इसके अंदर नहीं कोई पैसे नहीं खा रहा। तूने तो नशा छोड़ने की कसम खाई थी, नशा छोड़ नहीं रहा तू। नशा मैंने कसम खाई थी, वो आपने मुझे पैसे दिए हैं नशा छोड़ने के लिए? देखो, जो इंटरव्यू लेके गई है आपका, वो इंटरव्यू लेके गई है कैपिटल टीवी वाली, वो दोबारा मुझे मिली है। कैपिटल टीवी वाली को पूछो, उसने मेरे से वादा किया, मैंने उससे वादा किया। भाई देखें मेरे नाजरीन, आप देख रहे हैं, ये वो ही है लड़का जिसने वादा किया था मैं नशा छुड़वाऊंगा। लड़की इसका टैलेंटेड आदमी हूँ, ठीक है, इतना माशाल्लाह प्यारा टैलेंट है। ये भूमियों वगैरह क्या रैपर है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारे पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि हमारे पाकिस्तान के किसी बच्चे को भी आप देखें कि ये क्रिकेट वाले हैं, ये बच्चों को क्रिकेट सिखा रहे हैं। तो ये आर्टिस्ट लोग जो हैं, ये अपने मुल्क के बच्चों को गाना नहीं खिला सकते। तेरा तो इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ, तूने नशा छोड़ना था, तू ये क्यों अभी तक लगा हुआ, क्या वजह है तू? वन सेकेंड आई गूल। मेरे प्यारे एंकरों, प्यारे मेरे दोस्तों, जब एक लड़की आपसे वादा करती है, आपसे वो इंटरव्यू लेती है, ठीक है, बाद में आपके इतने फ़ैन उठते हैं, उसके पैसे खाने लग जाती है। मुझे वो एक मरतबा भी मिली है। यहाँ पर इतने टीवी वाले आए हैं, बड़ साहब आए हैं, और लोग भी आए हैं, मेरे 6 इंटरव्यू उसके बाद हुए हैं इधर ही, ठीक है। उनसे पूछना कि किसी ने भी मुझे आके पूछा है दोबारा, मैंने उनसे भी तो वादा किया है, मैंने टीके छोड़ दिए बड़ साहब के। हाँ जी, और बड़ साहब ने, मैंने बड़ साहब के कहने पे टीके छोड़ दिए, ड्रग्स छोड़ दिया, यही सिर्फ मैं आज पी रहा हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप लोगों के कहने पे यार छोड़ दूंगा, मैं इंसान हूँ, अशरफुल मखलूकात हूँ, मेरे से बढ़ के कोई चीज़ पावरपन नहीं है। तो जब लोग धोखा करेंगे तो हम क्या करेंगे? नाजरीन, ये देख रहे हैं आप, वही लड़का है जिसके काफ़ी वायरल हुए थे, जो रैपे गाई इसने, और हमने देखा, हमें बड़ा शौक लगा यार, तू बंदा इधर बैठा हो, तू तो वायरल है, तूने तो छोड़ने की कसम खाई थी। आपको सुनाता हूँ रैप भी, गाने भी, और मुझे ये बताना कि ऐसे गाने ये नई जनरेशन गा सकती है, या ये जितने आर्टिस्ट हैं अभी जो कोक स्टूडियो में है, ये ऐसे गा सकते हैं बगैर तबले के, बगैर ताल के? मैं सुर सुनाता हूँ कैसे सुनाए जाते हैं, आप सुना के दिखाओ। और वो उस एंकर को भी पैगाम दो कि जिसने आपके वादा किया था वो क्यों नहीं मिलने आई, क्या वजह आपसे, वो उसने क्यों नहीं मिला आपसे? सुनना चाहते हैं? शुरुआत करा तेरे तो बात करा। हाँ जी, मैं गाना गावांगा अपने दोस्तों के लिए। ਗੱਡੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜੱਟੀ ਜਾਣ ਮੰਗਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡੰਗਦੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਹਣੀਏ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੀ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਹਣੀਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਆ ਤੂੰ ਫਿਰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸੋਹਣੀਏ ਦਿਲ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਨੋ ਸੰਗਦੀ ਐਸ ਲੈਸ ਗੋ ਗੱਡੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜੱਟੀ ਜਾਣ ਮੰਗਦੀ ਲੰਘਦੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡੰਗਦੀ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੋਹਣੀਏ ਬੈਠਾ ਤੇਰਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਗਰੂਰ ਸੋਹਣੀਏ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ
रबर च गड्डिया नहीं कोल सोनी है अपनी वो यार मैनू लभद फिरन दिल तेन मंगती है फैट कंज दी रैक्स गड्डी काले रंग दी जट्टी जान मंग दी जितों जितों लंघ दी मेरा दिल डंग दी वेखो जी बैठा मुंडा टाणी च मशहूर लगदा नहीं मैनू लगन किस तू भी दूर गड्डी मेरी झलेगी कड़ी नहीं गरूर आ जा तू आ जा नहीं गल कर दूर तेरे को मेरा दिल कली आके मैनू मिल प्यार मैं तेन करना कर तू चिल आपे मैं रुकाएगी दूर नहीं हो जाएगी जे दुनिया मीडिया मेरे को आँदी है तो एक दिन तुम्हें आएगी रेस्टाइस मार मार जानी है पकैर सोनी है मुंडे तेन धक्के कटैर सोनी है जेड़े तेरे नाल नहीं घूमते हैं मारने पैने नहीं है नुफैर सोनी है दुनिया तू तो यूं पिछे सोनी है मेरी जिंद हूं सुली उत्ते टंग दी लेट्स गो गड्डी काले रंग दी जट्टी जान मंग दी जितों जितों लंघ दी मेरा दिल डंग दी और पहला वेली आते पिछे बैल पूना नहीं हूं करता है नहीं स्टाइल पूना नहीं अजर की ड्रैसिंग मैं करता रवान कल मेरी हूं जी डंग डंग कर दी गड्डी काले रंग दी जट्टी जान मंग दी कहंदे ना किल्टे रैप दी इंटा इंटे नाज़रीन आप देख रहे हैं इतना टैलेंट इस लड़के के अंदर और लड़की उस एंकर ने वादा किया था वो मिलने नहीं है उस एंकर को क्या पैगाम देंगे जिसने आपसे वादा किया हम यही पैगाम देंगे खुश रहे और चिल मारे हम तो भाई मोबाइली हैं मोबाइल पुणे में ही रहेंगे उसके लिए कोई रैप करें उसके लिए वो तू तो मैनू छड गई है दिलों कट गई है अली पार्क च तू तो मिली सी मेरा इंटरव्यू लेके उन्हें फट गई है कि तुझे नहीं वादा तूने नशा नहीं चढ़ाण दा मुंडे नूं नहीं उन्हें तू इंसान बनाण दा इंसान तो नहीं तू सानू नहीं ही बनाया आवान बना के उन्हें कट गई है ओए होए होए नाज़रीन आप देख वादा किया सी पर वादा करने वाले वादा पूरा नहीं ना कर दे तो जो वादा जिंदे नाल हो जाए ना उन्होंने दुख बड़ा मिलता है क्या करिए माखा किसी के कहने नहीं हिलता है नाज़रीन आप देख रहे हैं वाकई ये बहुत दुखी है और इसने ये कसम खाई थी कि मैं नशा छोड़ दूंगा अगर वो एंकर इससे रابطہ करती जितना इसका क्लिप वायरल हुआ था अगर एंकर इसका इसके साथ रابطہ करती या वो इससे मिलती मुझे उम्मीद है कि भाई अब तक नशा छोड़ चुका होता ये देख रहे हैं किस हालत में इसके इतना टैलेंट है इसके अंदर तो टांग को क्या हुआ आपकी ये टांग मेरी कुछ कुछ पोलियो था कुछ मुझे फैर लगे नहीं नहीं खड़े हो सकता हूँ क्यों नहीं यार भाई खड़े हो सकते थोड़ा सा मसला है नहीं नहीं मसला क्यों साढ़े को असला है असले के ना गोलियां हाले तक असं नहीं भरिया झोलियां डब चलाए ना गलो पता लगे कि तुम खो भी जाते माशाल्लाह ये खड़े हो गए वाकई इनकी टांगे भी ठीक हैं लेकिन उस एंकर ने रबता नहीं किया ये बड़ी अफसोस की बात है साडिया तो चस्टा ने भी भैन भी ला गए ना सानू बॉडी बिल्डर बना के चले गए ना तो सानू वादो मिले नहीं नाइनटी टू वाले ओए नवीद तू भी कुत्ता है जहीर बिल्ले तू भी कुत्ता है सारे पैसे तो दुनिया को बहुत ने पर तुहाडे कोल इज्जत नहीं हैगी नाइनटी टू आई लाइक इट लूजर 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 नाइनटी टू उस एंकर के लिए यार क्या कहोगे जिसने आपको ये कहा कि हम आपका ख्याल रखेंगे उसने फिर भी आपका ख्याल नहीं रखा ये बड़ी जी बात बड़ा दुखी भाई है यार ये देख रहे ये दुख की वजह से इस तरह ये बातें हो रही हैं आज हमने अचानक आए तो ये नज़र आया हमने कहा यार तू तो छोड़ने वाला था तो अभी आप देख रहे हैं कि किन हालत में है भाई बहुत दुख में है आप कुछ कहना चाहें यार हमारे नाज़रीन को क्या आपका पैगाम देंगे कि वो दुनिया पे क्या ट्रस्ट नहीं करेंगे अगर एक नशेई के साथ इस तरह धोखा हो रहा है तो लोगों के आम लोगों के साथ तो बहुत होगा प्यारे भाई पता है क्या बात है हमारे इस पाकिस्तान में ना झूठ के सिवा और किसी को दगा देने पे सिवा कुछ नहीं है आप लोग आते हैं हम आपसे प्यार भरी बातें कर लेते हैं और आप हमारा कुछ दर्द बढ़ा जाते हैं क्योंकि इसीलिए ना मैं अपनी मीडिया को बहुत अच्छा एक मैसेज दूंगा कि मीडिया आई लाइक इट मैं अनपढ़ जाहिल गुआर हूँ ठीक है अंग्रेज़ी मैंने किसी से नहीं सीखी किसी से नहीं ली मैंने भाई अपने दिमाग से जो मेरे दिल में आता है मैं कर देता हूँ कहते ना भाई जी काम तो बहुत किए जाते हैं जो किसी ने प्यार किया जाए ना और दिल के बड़े रस बड़े बोल भरे जाते हैं ना इदा ही असं जी रहे हैं देख लो मवाली लोग बैठे हैं एक दूजे के दर्द मंडा लें तो अपने आप से मुस्करा लें इतों तो लोग धोखे दे के टुर जाते हैं कई प्यार करके मुड़ जाते हैं तो कई यार खुश होकर मुड़ जाते हैं दुखियाँ का दुख की लैना अभी तो अपने प्यो का चेहरा भी नहीं देखा एक सैड तो जख्म ने तो एक सैड तो खुशहाली है पर की करिए तो यार माखा मवाली है आप इन हालातों तक कैसे पहुँचे क्या वजह है क्यों ये नशे की लत में लगे आप नशे की लत में इसीलिए लगे कि क्योंकि ना लम्ब यूनिवर्सिटी में जाता था मैं पहले भी इंटरव्यू दे चुका हूँ
वहाँ पर आप जैसे अमीरजादे ले जाते थे मेरे मोहल्ले के लड़के चौधरियों के, वो लड़के ले जाते थे मेरे दोस्त से चौधरियों के लड़के जट्टों के, वो मुझे ले जाते थे। वहाँ पर एक लड़की थी तानिया डिप्टी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनकी लड़की थी तानिया, ठीक है। उस लड़की से प्यार हुआ, कुछ प्यार भरी बातें हुई। जब उसने हमको छोड़ा तो हम तो भाई रूट के कहीं के नहीं रहे, नशा तो हमें लगा नहीं था, नशे को अपना बना लिया। उसने हमें ठुकराया, हमने नशे से दिल लगा लिया। कहते हैं शराब में भी नशा होता है, क्या शराब पी जाती है? शराब नशा नहीं करती, किसी का दर्द बढ़ा सकती है? नहीं। कहता है शराब जिसमें भरी जाती है उसमें बहुत नशा होता है। मैं कहता हूँ नहीं, पीने वाले में भी नहीं नशा होता तो ना शराब में नशा होता है। नशा होता है सिर्फ अपने दुख से, अपनी मजबूरी से। मेरे भाई ये दोस्ती क्या कहें यार, हमारे तो आंसू आने लगे हैं। तानिया को भी यही मैसेज है कि वो जहाँ भी है खुश रहे, हमारे दो बेटे लेके खुश रहे, खुश रहे। अच्छा, उसकी शादी होगी? शादी होगी है उसकी, उसके पास दो बेटे हैं, ठीक है। तब तो मैं माशाल्लाह बहुत हसीन था, मेरे डोले इतने इतने थे, ये देख रहे हैं कट। नाज़रीन आप देख रहे हैं, बिल्डर था, इसका बड़ा जिस्म था, आप देख भी रहे हैं किस तरह कट, नशे की लात में लग गया, इश्क होने की वजह से एक धोखा मिला। और जोर देना चाहता हूँ, आप देखे ये टैलेंट आप उठाएं, गली मोहल्ले में आप जाते हैं, आप भी कुछ कर लें अपने बच्चों को, इन छोटे छोटे बच्चों के लिए ना कोई एकेडमी बनाएं, ठीक है। इनको वहाँ सेलेक्ट करें, इनका टैलेंट आप ज़ाया ना जाने दें, इनका टैलेंट आप ऊपर लेके आए। आप मीडिया वाले ये करेंगे ना तो कसम से मैं दिल से कहता हूँ ये पाकिस्तान को बाहर की यूरोप कंट्रियाँ खुद लाइक करेंगी, क्योंकि जैसे इंडिया को लाइक करते हैं और इंडिया का पैसा हमारे ऊपर आया, इस तरह हमारा पैसा दोबारा इंडिया के ऊपर होगा और मुल्क मुल्क में हमारा इंडिया से सबसे आगे हम होंगे, क्योंकि पाकिस्तान इज़ जिंदाबाद, पाकिस्तान इज़ जिंदाबाद, पाकिस्तान आई लाइक इट, आई लाइक इट, आई लाइक इट, क्योंकि जब ये टैलेंट ही नहीं आप करेंगे। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग जो है नशे की लात में लग चुके हैं। ये वो भाई है जिसने नाज़रीन ये वादा किया था कि मैं नशा छोड़ दूंगा, लेकिन वो एंकर इसके पास नहीं आई, काफ़ी तसल्लियां दी। ये वही भाई है जिसका काफ़ी इंटरव्यू वायरल हुआ था, तो लेकिन अभी तक ये यहाँ पे ही है, उसी सड़क पर ही है। मैं भी हाँ जी यहाँ पर मिला हूँ। तो वो एंकर इधर आ सकती है ना, क्योंकि मैंने ना उन्हें बताया था कि मैं ये नहर पर रहता हूँ, ये मेरे साथ फ्रेंड है, इनसे आप जिससे मर्जी पूछ सकते हैं कि मलक उस्मान, मलक उस्मान देख लो, आप इससे किसी से भी पूछ लेंगे, ये आपको बताएंगे। वो मिल सकती थी आके, जब उसने कहा तो फिर क्यों नहीं मिली, इसका आप फैसला करें। तो नाज़रीन आपने देखा नौजवान नस्ल किस तरह धंस चुकी है और इनके टैलेंट को किस तरह ज़ाया किया जा रहा है। तो नाज़रीन आपने ये सारा मामला देखा और भाई के अंदर देखा आपने कितना टैलेंट है। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए नाज़रीन, इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।